क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अरुण गोयल। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। श्री विरार कच्छी वीसा ओसवाल जनसेवा समाज द्वारा जरूरतमंद व गरीब लोगों के लिए भोजन वितरण। कोरोना वायरस महामारी से बचने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा तीसरी बार लॉकडाउन किया गया है। ऐसे में रोजमर्रा खाने कमाने वालों को दो वक्त का भोजन भी नहीं मिल पा रहा, क्योंकि एक आम आदमी अगर एक हफ्ता भी घर बैठ जाता है तो उसके घर चलाने का पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है। वहीं ऐसे में कोरोना के चलते तो घर में बैठे काफी लंबा अरसा हो चुका है। अब न घरों में राशन है न जेब में पैसे, जिसके चलते अब दो वक्त का भोजन भी बड़ी मुश्किल से मिल पा रहा है। ऐसे में विरार पश्चिम स्थित श्री विरार कच्छी वीजा ओसवाल जन सेवा समाज द्वारा जरूरतमंद व गरीबों के लिए भोजन वितरण किया गया, जिसमें समाज के लोग मिलकर हर दिन अलग अलग भोजन जैसे पूरी भाजी पुलाव खिचड़ी आदि बनाकर भूखों का पेट भर रहे हैं। तो वहीं आयोजकों ने बताया कि हम रोजाना पशुओं को भोजन वो पंछियों को दाने डाल रहे हैं। ये हम लोग जो काम हमारा चालू किया है, हमने तब से हमारे यहाँ पे शांतिनाथ बैंक्वेट हॉल जो दिलीप भाई कोठारी करके है वो संभाल रहे हैं, उनके सहयोग से ही ये पूरा हॉल का अपने को ऐसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट कोई चार्ज नहीं, और उनका सहयोग से खुद अपना तेल के भट्टी पे बैठते और पूली तलते सब्जी बनाते सब कुछ करते दिलीप भाई कोठारी जो है और उनके साथी जो है, और हमारे जो समाज है कच्ची समाज और जैन समाज दोनों मिलके ये इतना बड़ा काम हम जो कर रहे हैं वो इतना बड़ा, आज से अभी तक करीब करीब 1.5 लाख पैकेट तो कम से 1.5 लाख पैकेट तक हमने बांटा है अभी तक, और ये शांतिनाथ बैंक्वेट हॉल से ही ये सब बांटा है। आप कई वर्षों से ऐसी सेवाएं करते होंगे। हाँ जी, तो इस वक्त क्या शायद आपका एक्सपीरियंस? सही में तो हम लोग जब भी अपने यहाँ पे पानी भर गया था लास्ट दो साल भरा था पानी, तभी भी हमारे समाज ने फूड पैकेट बना के बांटे थे, तभी भी यही दिलीप भाई कोठारी हमारे जो साथ में उन्होंने हमको बना के देते थे और हम बांटते थे रेलवे स्टेशन पे भी बांटते थे, अभी भी आज भी RPF वालों को सबको खाना तो हमारे यहाँ से ही जाता है। और ये जो खास एक हम दिलीप भाई कोठारी को एक को साथ में लेंगे, ये इनका इतना सहयोग रहा है इनका सहयोग कि इनकी वजह से ये आज जो चल रहा है खाना इतना चल रहा है, और हमारे ये जितने साथी है ये सब साथी की वजह से ही हम लोग आज 40 लोग हमारे साथ में है, 40 लोग के वजह से ही ये सब कुछ हम लोग आज कार्य कर रहे हैं, जो इतना कार्य जो आज तक हुआ है और आगे भी कर रहे हैं, जो उनके सहयोग से ये सब हमारे साथी है, उनके सहयोग के हिसाब से ही हम लोग हुआ है। हमारी ये बहनें जो है वो पूरी आपसे पूरी बना रही है यहाँ पे, आज करीब करीब हम लोग 7 से 8 हज़ार पूरी बनाते हैं, तो ये सब ये बहनों ही बना दिए। हम लोग उनको खाली बोलते हैं, वो बुलाते हैं, उनको खाली इतना ही बोलते हैं कि भाई आपको पूरी बनाना है तो ताबड़तोब रेडी रहती है और ताबड़तोब सब बहनें आ जाती है। और खरे खरे सही में उनको एक तो धन्यवाद देना चाहिए, घर बार छोड़ के इतना कोरोना से सब डर रहे लेकिन ये डर निकाल के भी एक सेवा के माध्यम से यहाँ पे आ रहे हमारे साथ और हमारे साथ सहयोग दे के हमारे साथ बढ़ा रहे वो लोग। ये 25 मार्च से चालू किया है, जब से लॉकडाउन हुआ है तब से चालू हुआ है और आज तक कंटिन्यूस चालू है, आज 33वां दिन है ये। आपने क्या क्या बांटा, क्या क्या विस्तार से बताइए? हमने यहाँ पे पूरी भाजी बनाया है, छोले भाजी बनाया है, सब्जी भाजी बनाया है, फिर पुलाव बनाया है, फिर बिरयानी बनाया है, सीरा बाटा है, बूंदी बाटी है, फिर अपना आज मोंधार बाटा है। कम से कम डिपार्टमेंट में जाता है कहाँ, असहाय लोगों के अलावा और किन किन जगह पे आप? ये हमने शुरुआत की थी तभी पहले पुलिस स्टेशन में जाता था, म्यूनसिपालिटी के वर्कर लोग को जाता था, सफाई कामदार को जाता था, ST बस डिपो वाले को जाता था, और अभी भी कंटिन्यू तो चालू ही है। फिर यहाँ पे जो वृद्धाश्रम है निवारा का जो है वहाँ पे जा रहा है, और ऐसे करीब करीब 25 से 30 जगह पे हमारा सब जगह पे खाना जाता है। ये बनाने के लिए आपके लोग है, आपके परिवार के लोग हैं या बाहर से कुछ बुलाते हैं? नहीं, कोई परिवार, हम सब ये हमारे जो समाज के जैन समाज के लोग हैं वही जो कार्यकर है वही सब अपने हाथ से बनाते हैं और हाथ से ही हम लोग सब बांट रहे हैं, और हर समाज का हमारा जैन समाज का पूरा इसमें सहयोग है। खाने के अलावा और क्या क्या बांटा? सैनिटाइजिंग बांट रहे हम लोग ने, मास्क बांट रहे, फिर हैंड ग्लोव बांट रहे, मतलब करीब करीब आपको 32 दिन है और कंटिन्यू एक भी दिन आपने ऐसा रुक के नहीं? नहीं, कभी नहीं रुका है, आज तक कभी नहीं रुका है। हम लोग जीवदया का भी ऐसे के कुत्ते लोग को रोटी है, पाव है, दूध है, चावल है, ये सब कुत्ते लोग को देते हैं, और कबूतर ये लोग पक्षी लोग के लिए चन डाल दे यानी कि चना अपना जुआर रहती है, जुआर के मकाई ये सब देते हैं हम लोग।
और हर एक को हम लोग ने अभी तक 1800 से 2000 तक किट भी बांटे, फूड किट। सबसे बड़ी बात आती है पैसों को लेके, तो इस चीज़ के लिए, इस सामान के लिए आपका पैसा कहाँ से? जब हमने थाना कि भाई हरीश भाई, दिलीप भाई, हम सब लोग साथ में मिल के बताना कि अभी काम करना है हमें, तो तभी हमको कुछ पता नहीं था कि कहाँ से पैसा आएगा। लेकिन एक हमारा समाज इतना बड़ा समाज है, जैन समाज इतना बड़ा समाज है, और समाज ने हर एक तरीके से हमको साथ दिया और ऐसे ही चल रहा है। ऊपर वाले की इच्छा के हिसाब से ही हमने चालू किया था और आज तक सही से चल रहा है। तो वहीं महिला सहयोगियों ने बताया कि हम अपने परिवार का काम करते हुए ये जनहित कार्य कर रहे हैं। मधु सैया, हम लोग कच्ची समाज से हैं। कितने दिन से आप ये सेवा कर रहे हैं? 25 तारीख से कर रहे हैं। क्या क्या बनाया? क्या पूरी, पुलाव, भाजी, सब गरीब लोग को देने के लिए, सब खिचड़ी बनाया, सबको देने के लिए जा रहा है। और हमारा समाज पूरा एक ग्रुप है, वो ग्रुप कहाँ भी कुछ भी काम रहता है तब जाते हैं, एक साथ में ही रहते हैं सब ग्रुप में। तरुण वोरा करके है, हेड है हमारे, और वो सबको बुलाते हैं अपने एडजस्ट करके, और हम लोग जाते हैं सब ग्रुप में सर सेवा करते हैं। जब आप पूरा दिन इधर सेवा में लगे हुए हैं तो आपके परिवार को कौन देखता है? हम सब उधर से करके आते हैं, जल्दी उठते हैं वहाँ का परिवार का करके बाद में यहाँ आते हैं समाज सेवा में। इसके अंदर आपकी पूरी महिलाओं का पूरा सपोर्ट? पूरा सपोर्ट है हमारा, पूरा ग्रुप है, एक घर वाले का भी पूरा सपोर्ट है, और हमारे मिस्टर लोग भी इधर आते हैं काम करने के लिए। ये समाज हित कार्य संस्था के अध्यक्ष तरुण वोरा के मार्गदर्शन में दिलीप भाई कोठारी, हरीश भाई, मानसी, मल्लिका, मधु सैया आदि के सहयोग से किया जा रहा है। विरार से क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज की एक रिपोर्ट।